और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक स्कूल बस पलटने की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई है। बस में 33 बच्चे सवार थे जिनमें से 6 की मौत हो गई जबकि 14 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस की पेड़ से टक्कर हुई जिसकी वजह से बस अपना नियंत्रण खो देती है और पलटती है और इसमें आपको बता दें कि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। स्कूल बस ये सुबह के वक्त पलटी थी, तस्वीरें कुछ सामने जरूर आई हैं लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दर्दनाक जानकारी ये है कि 6 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है, 33 बच्चे सवार थे ऐसी खबर सामने आ रही है और 6 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है, 14 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए स्कूल बस की टक्कर, आपको बता दें कि पहले पेड़ से टक्कर होती है उसके बाद बताया जा रहा है कि बस का नियंत्रण खो जाता है और बस पलट जाती है। हादसे में 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, अपने आप में काफी दर्दनाक है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस पलटने की वजह से ये हादसा हुआ। कह रहे हैं कि 2 बच्चे समझ पर बाकी ज्यादा तो पता नहीं। लगभग कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में बस भरी हुई थी बड़ी हुई थी हिसाब से। क्या ड्राइवर नींद में था या फिर देखो जी कोई सामने कुछ आ रहे के बाद सूचना मिली है तो वहाँ मौके पर पहुंची पुलिस। सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने आने लगते हैं जो पहुँच सकते जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करी तो बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह पी रखी थी या कुछ कार्रवाई। 20 बच्चे आए थे हमारे पास जिसमें 4 ब्रोक डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। उस समय SDM साहब तुरंत आ गए थे, उन्होंने पूरे प्रशासन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें ऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है, कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशन नॉर्मल है सभी बच्चों। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। SHO के मुताबिक जो ड्राइवर था बस का उसने शराब पी रखी थी और इस वजह से ये मौत हुई है बच्चों की। 6 बच्चों की मौत कोई मामूली बात नहीं है, 33 बच्चे सवार थे जैसा कि आपने सुना भी। डॉक्टर बता रहे थे कि वहां पर कुछ बच्चे आए जिनके हाथ टूटे थे, कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा यानी गंभीर रूप से वो घायल। 6 बच्चों की मौत हुई है और इसमें 14 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि जो जानकारी SHO की तरफ से दी गई है कि ड्राइवर की गलती थी, उसने शराब पी के बस चलाई। और चमन हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। चमन, ये बहुत बड़ा दावा जो ड्राइवर है उस पर आरोप लग रहे हैं, शराब पीकर वो बस चला रहा था इस वजह से यह हादसा हुआ। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जो महेंद्रगढ़ के जो SP है उनके द्वारा भी ये जानकारी दी गई है कि जो इस स्कूल बस का ड्राइवर था वो नशे में था और नशे के कारण जो थी वो बस जो थी ओवर स्पीड वो चला रहा था और उसके कारण ये हादसा हुआ है और वो जाकर एक पेड़ के साथ टकराई और उसके बाद बस वहाँ से स्लिप होकर जो है वो काफ़ी जोर से पलटी और उसके बाद वहाँ पर जो था वो बस में जो तकरीबन 30-35 बच्चे सवार थे और उसमें से जो थे वो 6 बच्चों की जो अभी तक जो है वो मौत हो चुकी है और 14 से 15 बच्चे जो बताए जा रहे हैं वो घायल अवस्था में है और वो फिलहाल जो है अस्पताल में है। और जो SP की तरफ से बताया गया कि जो ड्राइवर था उसका फिलहाल जो है वो मेडिकल करवाया जा रहा है और उसने जो है नशे की हालत में जो था वो बस को वो चला रहा था जिसके कारण जो है अभी तक जो है ये इतना बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है। बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले की जांच होगी। शुक्रिया शमन आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ का किला ढहाने के लिए BJP ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राज्य के CM मोहन यादव छिंदवाड़ा और पूरे मध्य प्रदेश में जीत को लेकर उन्होंने कुछ रणनीति तैयार की है। क्या रणनीति बनाई है इस पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने रोड शो के दौरान उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा News18 India पर, ये भी सुनिए आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा का 15 दिन के अंदर ये चौथा दौरा है और 5 दौरे अभी तक कर चुके हैं। कमलनाथ के किले को भेदने की पूरी कोशिश BJP की तरफ से। सर, अभी बालाघाट में प्रधानमंत्री कह रहे थे हमारे युवा साथी डॉक्टर मोहन यादव, दुगने जोश से आप छिंदवाड़ा में बहुत आभार मानूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार के बारे में, गरीब आदिवासियों का काम करने वाली सरकार के नाते से बात रखी, उनका प्रेम स्नेह सदैव आभारी है और वही मेरी प्रेरणा की पूंजी बनती है, उसी आधार पर हम लगातार आगे काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार छिंदवाड़ा में कुछ बदलेगा? आप जनता बता रही है, उत्साह बता रहा है, उमंग बता रहा है,
छिंदवाड़ा में बदलाव हो रहा है, छिंदवाड़ा भाजपा की तरफ जा रहा है। सर ये जो यहाँ पे एक नारा चल रहा था कि लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा में भी आप जय श्री राम कर रहे हैं, कमलनाथ का हो गया काम, जय श्री राम जय श्री राम, कमलनाथ का हो गया काम, जय श्री राम जय श्री राम, मतलब आपको लगता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो एक बड़ा मुद्दा है? देखिए अयोध्या का मुद्दा अपनी जगह है, वो तो सही बात है, कांग्रेस उसकी कीमत पूरे देश में चुकाएगी, लेकिन छिंदवाड़ा में लंबे समय तक एक ही नेतृत्व में से लोगों ने अपने विकास को बाधा माना है और उनके बाद उनके बेटे उनकी पत्नी, लोकतंत्र में होता नहीं, लोकतंत्र में जनता अपने स्थानीय नेतृत्व को चाहती है और हमने यहाँ का बच्चा दिया जो पहली बार सांसद। सर ये पहले चलता था कि कमलनाथ का गढ़ है और आपने कह दिया कि छिंदवाड़ा में तो सब गड़बड़ है, तो उसके बाद ऐसी गड़बड़ शुरू हुई कि बीजेपी में सारे कांग्रेस के लोग आने लगे। देखिए कमलनाथ के समय हमने बताया था वो बड़ा छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते थे, जबकि हमने देखा था जब उनने गड़बड़ कर रखी है, वो कहते तपस्या तपस्या नहीं समस्या कमलनाथ को दी है, वो अपने अलावा किसी को सोचने देते नहीं है, किसी को कुछ काम करते जिस प्रकार का माहौल बनाते उसी की ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? भ्रष्टाचार देखिए भ्रष्टाचार को एक विकास अवरुद्ध करना भी बड़ा मुद्दा है, एक परिवार के अंदर लीडरशिप रखना ये उससे बड़ा मुद्दा है, तो बाप के बाद बेटा उनकी मम्मी ये कोई बात नहीं हुई ना, जनता इसको पसंद नहीं करती। तो अब कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? हमारे पास तो पिछले चुनाव में 28 जीते थे, अब 29 हुए तो 29 पूरी जीतेंगे। और वो नारा जो आपका है कि अब की बार 400 पार, मैं अब की बार यहाँ मध्य प्रदेश में 29 पार और देश में 400 पार। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मैदान में एसएस आलूवालिया को उतारा है। एसएस आलूवालिया आसनसोल से चुनावी मैदान में है और यहां उनका मुकाबला होगा टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे कि आसनसोल सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है तो बीजेपी ने अब इस सीट से आपको बता दें कि एसएस आलूवालिया को चुनावी मैदान में उतार दिया है और अब यहां पर एसएस आलूवालिया वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा देखने को मिलेगा, यानी कि इस सीट का जो मुकाबला होगा पश्चिम बंगाल में काफी दिलचस्प होने वाला है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आसनसोल से बीजेपी ने मैदान में उतारा है वरिष्ठ नेता और सांसद एसएस आलूवालिया जी को और खुद वो हमारे साथ हैं और उनसे राय जानने के पहले एक छोटी सी चार लाइनों में एक कहानी है। दो अच्छे मित्र एक ही घर में पले बड़े बड़े हुए और दोनों अलग अलग पार्टियों से एक घर छोड़कर चला गया और दूसरे और उसके खिलाफ सांसद मौजूदा है वो, लेकिन उनके खिलाफ उतर रहे हैं, अपने दोस्त के खिलाफ भी हैं, लेकिन राइवल तो हैं पॉलिटिकल। आलूवालिया सर दोस्त के खिलाफ लड़ना, अब लगता है कि पॉलिटिकल राइवलरी जो है दोस्ती लड़ाई आती है? नहीं, लड़ाई दो पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं होती है, चुनाव का मैदान दो विचारधाराओं की लड़ाई है और यहाँ लड़ाई जो है दो विचारधाराओं की है। एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की, और दूसरी विचारधारा है कहती तो माँ माँ माटी मानुष है किंतु तुष्टीकरण की राज